पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसका परमिशन दे दिया गया है एलएनटी को एनएचआई के थ्रू कि वहाँ पे मेन जो कैरिजवे है उसमें काम शुरू कर दिया जाए। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक से काम शुरू भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही काम दिखाने वाला हूँ। जो पैकेज 4 है उसका वीडियो है ये, और पैकेज 4 में जो एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ है, कहाँ पे शुरू हुआ है वो भी आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए, ये एलान मेरिकल का मॉल है सेक्टर 84 में। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, ये जो है ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। यहाँ से अगर आप आगे स्ट्रेट जाते हैं तो आप मानेसर की तरफ चले जाएंगे, बट वहाँ पे अभी कनेक्टिविटी नहीं हुई है तो आप डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ से अगर आप राइट टर्न लेंगे, मतलब अगर आप क्लोवरली फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे हैं, मैं अभी आपको मैप छोटा करके दिखाता हूँ फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, ये NH8 है। यहाँ से अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो आप मानेसर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर आप आएंगे तो आप SPR की तरफ आएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से। और फिलहाल यहाँ पे हम यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे CPR के थ्रू तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर आ जाता है। देखिए, इस इंटरसेक्शन में ये सेक्टर 88 है, ये सेक्टर 84 है, ये सेक्टर 36B है और ये सेक्टर 36A है। यहाँ से जब आप इस तरफ मुड़ेंगे, मैं मैप को थोड़ा ऑफ करता हूँ। देखिए, एग्जैक्टली इस लाइन में एलिवेटेड रास्ते का काम ना रुक गया था बिल्कुल, और विंग्स का काम चल रहा था, मेन कैरिजवे का काम यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो ठीक इस जगह पे आप देखिए, इस मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है। ये मैप पुराना है, अभी इससे ज़्यादा बढ़ चुका है काम, मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी दिखाया था। अब यहाँ पे कंक्रीट हो रहा है, ये वाला रास्ता है यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता है यहाँ पे। इस रास्ते से अगर आप इधर जाएंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और इधर अगर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे भी विंग्स लगाने का काम हो गया है। हालांकि आपको मैप में नहीं दिख रहा है बट यहाँ पे विंग्स लग चुके हैं। यहाँ पे इस जगह पे इसके बाद यहाँ से काम आगे नहीं बढ़ा था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि काम यहाँ पे चल रहा है। और ये दिन का वीडियो नहीं है, ये रात का वीडियो है, तो मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि रात को भी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू कर दिया गया है। और ये मेन कैरिजवे है, जो बीच वाला रास्ता है 2x2 लेन का, ये उसका काम एलिवेटेड रास्ते का चल रहा है। उसके बाद इसमें विंग्स भी लगेंगे, तो जैसे जैसे यहाँ से काम आगे बढ़ता जाएगा विंग्स पीछे से लगता हुआ आएगा। और यहाँ पर अगर आप ये जो पिलर्स देखेंगे, मुझे पता नहीं कि आपको क्लियरली दिखेगा या नहीं दिखेगा वीडियो में, क्योंकि रात का टाइम था, तो पीछे के जो ये आप देख रहे हैं ना स्पैन्स, ये पिलर के ऊपर ये भी कंक्रीट होना शुरू हो गया है। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट तक, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, ये भी यहाँ पे कंक्रीट हो गया है। और मैं इसका दिन में वीडियो डिटेल में और बना दूंगा कि आपको क्लियरली दिखे। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे 250 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव में, और मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है। तो अगर आप यहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं या आप यहाँ के इन्वेस्टर हैं, प्लॉट, घर, विला, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो एक बार मुझसे सलाह ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मैं आपको इसके प्रॉस और कॉन्स बता दूंगा सो दैट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। भाई, ये वीडियो आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस वक्त मैं पैकेज 4 में हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बीच में सेगमेंट लगने का काम शुरू हो गया है। मैंने आपको पिछले वीकेंड बताया था कि नेक्स्ट वीक से, यानी कि इस वीकेंड से काम शुरू हो जाएगा एलिवेटेड रास्ते में मेन कैरिजवे का। तो आप देखिए, पहला सेगमेंट वहाँ पे लगा दिया ऑलरेडी उस जगह पे। ये फर्स्ट सेगमेंट है जो लगा हुआ आपको दिख रहा है, सेकंड सेगमेंट ये है जो लगा हुआ है, और थर्ड सेगमेंट देखिए अभी इसको लिफ्ट कर रहे हैं ऊपर। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे लिफ्ट हो रहा है मशीन्स के थ्रू। अब इसमें देखिए जो लॉन्चर है उसके थ्रू कैसे इसको लिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ से अगर मैं लेफ्ट की तरफ चले जाऊँगा उस तरफ आगे, तो वहाँ पे पटौदी रोड का इंटरसेक्शन आ जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ। और इस जगह से अगर मैं राइट चले जाऊँगा तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ट्रक इसे छोड़ के गई थी इस वाले सेगमेंट को, और ये बीच वाला सेगमेंट है जो सेंटर वाला होता है, तो बीच वाले सेगमेंट में भी काम शुरू हो गया है। और इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये काम चल रहा है फिलहाल।
इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि सेगमेंट को लिफ्ट कैसे करते हैं, तो आप उस प्रोसेस को देख पाएंगे। तो ऑलमोस्ट 3 मिनट हो गया है सेगमेंट को लिफ्ट करते करते। धीरे करके सेगमेंट को पहले सीधा किया गया, अब सेगमेंट को टिल्ट करके मतलब अलाइनमेंट में लाकर सेगमेंट को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। जब तक इस सेगमेंट को ऊपर लिफ्ट करेंगे तब तक एक और ट्रक आसपास कहीं पे होगा जो दूसरे सेगमेंट को लेकर ऑलरेडी यहाँ पे खड़ी हुई होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका जो वेट है इन सेगमेंट्स का, ये लॉन्चर के ऊपर है, ये जो लॉन्चर का आपको लेग दिख रहा है यहाँ पे और उस तरफ एंड में, इन दोनों के ऊपर सेगमेंट का वेट है। जब स्ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो सेगमेंट का वेट जो है वो पिलर्स के ऊपर डाल दिया जाता है और सेगमेंट को फिर आगे मूव कर देते हैं। तो फिलहाल अभी जो वेट है, जितने भी लॉन्चर्स लटकेंगे अभी, क्योंकि स्ट्रेसिंग का प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है, तो जितने भी सेगमेंट्स यहाँ पर लटकेंगे उन सब का वेट जो है वो पिलर के ऊपर नहीं है, लॉन्चर के ऊपर है। देखिए कितने ऊपर उठा लिया गया है, ऑलमोस्ट 4 मिनट होने आया है। तो ट्रक के हाइट से, जब ट्रक लेके आती है तो ट्रक के हाइट से इसको ऊपर उठाने में, जब इसमें पूरी फिटिंग्स कर दी जाती है, जो नीचे आप अंदर में देखेंगे ना लॉन्चर के बीच में जो होल है वहाँ पे बड़े बड़े नट बोल्ट भी लगे हुए हैं, तो उसके थ्रू लॉन्चर को पहले फिक्स किया जाता है, लॉन्चर के साथ सेगमेंट को पहले फिक्स किया जाता है और उसके बाद सेगमेंट को ऊपर लिफ्ट करने लगते हैं। तो तकरीबन 4.5 मिनट हो गया है लॉन्चर को लिफ्ट करते करते। मुझे लगता है कि जब तक 6 मिनट होगा, ऑलमोस्ट 6 मिनट हो जाएगा जब तक ऊपर जाके ये रुक जाएगा। देखते हैं क्या होता है, उस प्रोसेस को पूरा रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। पिलर नंबर अभी मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ कि जो पिलर है इसके दूसरे तरफ पिलर नंबर लिखा हुआ है, तो उधर मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं रोड के दूसरे तरफ हूँ। और अगर मैं इसके पीछे आपको दिखाऊं, अभी शायद नहीं दिख रहा हूँ आपको, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि पिलर्स थे, तो ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का जो एक्सटेंशन है, जहाँ से आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे भी सेगमेंट्स लग गए हैं 3 स्पैन में। तो जब भी दिन में आकर मैं वीडियो बनाऊँगा मैं उसके बारे में आपको दिखाऊँगा। फिलहाल 5.5 मिनट हो गया है, सेगमेंट अभी भी ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है सेगमेंट को। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए वहाँ पे जो ट्रम्पेट फायर का स्टार्टिंग होगा उसको कंक्रीट किया जा रहा है, वहाँ पे सेगमेंट के थ्रू नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे स्लैब्स डाले जा रहे हैं। और जहाँ पे ये पिलर ख़त्म हो रहा है, मतलब ये जो ऊपर लेग लगा हुआ है, अंधेरे में कितना दिख रहा होगा मुझे नहीं पता, बट जहाँ पे ये लेग लगा हुआ है उसके बाद आपको सेगमेंट्स के थ्रू एलिवेटेड रास्ता बनाया है ट्रम्पेट फ्लाईओवर का। बट उससे पहले तक, यानी इस पिलर के पीछे में आप देखेंगे तो वहाँ पे स्लैब कास्टिंग के थ्रू जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर का एंट्री होगा वो स्लैब कास्टिंग के थ्रू हुआ है। और यहीं से अगर आप 4 पिलर आगे चले जाएंगे तो वहीं पे जो मेन कैरेज वे है वो डिवाइड हो जाएगा, और मेन कैरेज वे तो चलता ही रहेगा लेकिन ट्रम्पेट फ्लाईओवर का जो रास्ता है वो आगे जाकर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट 7 मिनट हो गए जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था। अब आप देखिए ऊपर का जो, वहाँ पे देखिए वो लूज़ हो गया है वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जितना उठाना था वो उठ चुका है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं। ऑलमोस्ट 7 मिनट लगता है जो मैंने देखा कि नीचे से ऊपर उठाकर इसको हैंग करने में। अब हैंग करने के बाद, जैसे इस वाले में आप येलो पोर्शन जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर वाला येलो वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पोर्शन भी हटा देंगे और इसको हैंग कर देंगे जैसे पिछले बाकी पिलर्स हैं, और फिर इस येलो पोर्शन को आप वो नीचे उतारेंगे, उसमें दूसरा सेगमेंट लगाएंगे और फिर दूसरे सेगमेंट को ऊपर उठाएंगे। तो आज के डेट में तो यहाँ पे 3 सेगमेंट लग गए हैं, कल मॉर्निंग तक आएंगे तो ये पूरा स्पैन में सेगमेंट ऑलरेडी लटक चुके होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इसके बाद अब क्या होगा। और यहाँ से अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिलर आगे चले जाते हैं, तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, वहाँ पे देखिए ट्रॉली वाले लॉन्चर के थ्रू विंग्स लगाने का काम चल रहा है वहाँ पे।
तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पिछले हफ्ते कि अब काम फुल स्विंग शुरू हो जाएगा, तो वो काम शुरू हो गया है। ये तो पैकेज 4 में मैं आपको एलिवेटेड रास्ते का काम दिखा रहा हूँ, जो मेन कैरिजवे का काम हो रहा है। अब इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें पैकेज 2 में जो काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते का, वो भी आपको दिखाऊँगा। देखिए यहाँ पे जो हमारे एक स्पाइडरमैन है, उनको क्रेन के थ्रू ऊपर भेजा जाएगा सेगमेंट के ऊपर, और उसके बाद वो ऊपर जाकर कुछ तो ओपन करेंगे और इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो हैंगिंग वायर्स ऊपर आपको दिख रहे हैं उसके थ्रू, देखिए वहाँ पे आप देखिए क्रेन ऊपर जा रही है। ये प्रोसेस एक्चुअली मैंने कैप्चर करके आपको कभी दिखाया नहीं था, आज मौका मिला है। रात का टाइम है तो थोड़ा वीडियो इतना क्लियर नहीं होगा, बट किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको दिन में भी दिखाऊंगा कि कैसे सेगमेंट्स को लटकाया जाता है। फिलहाल आज आप रात को देखिए, देखिए हमारे 2-3 स्पाइडरमैन जो हैं वो क्रेन से ऊपर जा रहे हैं अपने सेफ्टी गियर्स के साथ। देखिए वो ऊपर गए और अब वो फिर ये जो सेगमेंट रखा हुआ है इसके ऊपर भी चढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सेगमेंट के पास है अब क्रेन और मैं देखना चाहता हूँ कि ऊपर चढ़ते कैसे हैं ये। देखिए और ऊपर ले जाया जा रहा है उनको, मेरे ख्याल से क्रेन को एकदम बिल्कुल इसके हाइट पे ले जाया जाएगा, सेगमेंट के हाइट पे, और ये फिर चलकर सेगमेंट में उतर जाएंगे। और इसमें मैं ये भी तारीफ करूंगा, जो क्रेन के ड्राइवर होंगे जो ये एक्टिविटी कर रहे होंगे वो कितना प्रिसाइज होकर ये कर रहे होंगे। देखिए सेगमेंट के बीच में जो गड्ढा सा था अभी वहाँ पर जा रहा था क्रेन, अब यहाँ से स्ट्रेट ऊपर उठ रहा है और ऊपर उठने के बाद कि क्रेन ऊपर गई और अब वो आगे जाएंगे और आगे जाके देखिए सेगमेंट के साथ ज्वाइन किया गया क्रेन को। अभी अपने रोप्स को ओपन कर रहे हैं जो सेफ्टी रोप्स होते हैं इनके, और उसके बाद वो सेगमेंट के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये सेगमेंट के ऊपर एक हमारे सुपरमैन चले गए हैं सेगमेंट के ऊपर, दूसरे स्पाइडरमैन भी चले गए हैं सेगमेंट के ऊपर, देखिए दो हैं। अब ये ओपन करेंगे, ये जो पुली है जिसके थ्रू ऊपर खींचा गया था लॉक के थ्रू, शायद अब उसको वो खोल रहे हैं। देखिए एक तो उन्होंने कुछ खोल दिया, दो खोल दिया, दोनों तरफ से दो दो खोल दिया, कुछ खींच रहे हैं वो नीचे ला रहे हैं। अच्छा वो सेफ्टी गियर ला रहे हैं, उन्होंने पुली से अपने आप को टाई कर लिया है। देखिए ये भी पीछे वाले भी अपने आप को टाई करेंगे, सामने वाले तो कर दिया कि अगर ये सेगमेंट गिर जाता है तो वो लटक जाएंगे, उनको चोट नहीं आएगी। और यही सेफ्टी प्रिकॉशंस के वजह से जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे किसी भी लेबर को चोट नहीं लगी। तो यहाँ पे आप देखिए, अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ से और थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको। देखिए वो जो पुली जैसा जो भी है वी शेप का, दोनों तरफ एक तरफ तो खोल दिया गया है, दूसरा तरफ वाले को भी ओपन कर रहे हैं। देखिए उसे ओपन कर दिया गया है, चलिए आज देख ही लेते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है। ये क्रेन अब हट रहा है, ओके। वो जो पुली जैसा लटक रहा है ना, अब उसको वो सेगमेंट में जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है उसके साथ वो उसको फंसा रहे हैं, और उसके बाद वो उसको फंसाने के बाद वो वहाँ पे शायद स्क्रू से या जो भी उनका नट वट होता होगा, बड़ा सा बोल्ट होता होगा, उसके थ्रू वो उसको टाइट भी करेंगे और टाइट करने के बाद इसे सस्पेंड कर देंगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास 4 हाथ होते
तो काम और ज़्यादा कर सकता था, बहुत ज़्यादा वीडियो बना सकता था आप सबके लिए। एक दो हाथ से मैं ड्रोन उड़ा रहा होता और दो हाथ से मैं इस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता, तो दोनों काम साथ में हो जाता। देखिए इसे टाइट किया जा रहा है या लूज कर रहे हैं। देखिए उस पुली जैसा जो भी था उसको उन्होंने फंसाया, अंदर डाल रहे हैं हुक में, हुक को उन्होंने अंदर डाल दिया है, और अंदर डालने के बाद कुछ तो टाइट करेंगे ज़रूर वो, और उसके बाद इसे सस्पेंड करेंगे और उसके बाद वो येलो वाला निकाल देंगे। तो आई थिंक इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही वीडियो बनाऊंगा मैं, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कितनी खुशी हो रही है कि काम वापस से फुल फ्लेज तरीके से शुरू हो गया है पैकेज 3 और 4 में भी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और ये नया नारा है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जोड़ेंगे नहीं से मतलब है कि जब तक दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर को जोड़ ना दे द्वारका एक्सप्रेसवे से, और दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी ना हो जाए, तो जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।